अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एक बार फिर तो धमाके के नाल दहल गई है। एक मस्जिद दे विच ये बम धमाका होया जिस विच 20 दे करीब लोगों की मौत हो गई, 40 तो वध लोग जख्मी दसे जा रहे हैं। इस धमाके की वीडियो भी सामने आई है। देखा जा सकता है कि जो मस्जिद की इमारत है उसके ऊपर धुएं का गुब्बार उठता हुआ विखाई दे रहा है। जिस वेले यह धमाका होया मस्जिद में नमाज की जा रही थी, तो इस दौरान ही यह धमाका होया जिस 20 लोगों की मौत हो गया। जख्मी को हस्पताल भी भर्ती करवाया गया, 40 के करीब लोग जख्मी दसे जा रहे हैं। यह धमाका होया अफगानिस्तान की राजधानी काबुल बुधवार शाम का यह धमाका है जिस 20 लोगों की मौत हो गई। एक टीवी चैनल के मुताबिक यह धमाका काबुल के खैरखाना इलाके अबू बकी सिद्दीक मस्जिद होया जिस वेले मस्जिद मगरब की इमाज की जा रही थी, अदा की जा रही थी। तालिबान के सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक इस धमाके के बाद तुरंत ही सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने वालों धमाके की पड़ताल शुरू कर दी गई है। इस दौरान 27 तो वध लोगों को हस्पताल भर्ती करवाया गया जिन्हों में 5 बच्चे शामिल हैं और इन्हों में एक 7 साल बच्चा भी शामिल है जो बुरी तरह के नाल जख्मी होया। तुम दस दिए कि यह कोई पहला मामला नहीं है। इस तो पहला पिछले हफ्ते काबुल एक फदाइन हमले के तालिबान समर्थक मौलाना शेख रहीमुल्ला हकान की मौत हो गई थी जिसकी जिम्मेवारी इस्लामिक स्टेट ने ली सी। जो हूँ ताज़ा धमाका हो उस एक मौलाना की मौत, एक मौलवी की मौत हुई है। मौलवी का नाम आमिर मुहम्मद काबली दसया जा रहा है जो इस धमाके के मारे गए। इस धमाके की तस्वीर भी सामने आई ने। धमाके के बाद मस्जिद किस तरीके के हालात से वो तस्वीर यह बयान करती है। हर पास खून खराबा होया पे तो लोगों दाशा मस्जिद पई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एक बार फिर तो धमाके के नाल दहल गई है। एक मस्जिद में यह बम धमाका होया जिस 20 के करीब लोगों की मौत हो गई, 40 तो वध लोग जख्मी दसे जा रहे हैं। इस धमाके की वीडियो भी सामने आई है। देखा जा सकता है कि जो मस्जिद की इमारत है उसके ऊपर धुएं का गुब्बार उठता हुआ विखाई दे रहा है। जिस वेले यह धमाका होया मस्जिद में नमाज की जा रही थी, तो इस दौरान ही यह धमाका होया जिस 20 लोगों की मौत हो गया। जख्मी को हस्पताल भी भर्ती करवाया गया, 40 के करीब लोग जख्मी दसे जा रहे हैं। यह धमाका होया अफगानिस्तान की राजधानी काबुल बुधवार शाम का यह धमाका है जिस 20 लोगों की मौत हो गई। एक टीवी चैनल के मुताबिक यह धमाका काबुल के खैरखाना इलाके अबू बकी सिद्दीक मस्जिद होया जिस वेले मस्जिद मगरब की इमाज की जा रही थी, अदा की जा रही थी। तालिबान के सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक इस धमाके के बाद तुरंत ही सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने वालों धमाके की पड़ताल शुरू कर दी गई है। इस दौरान 27 तो वध लोगों को हस्पताल भर्ती करवाया गया जिन्हों में 5 बच्चे शामिल हैं और इन्हों में एक 7 साल बच्चा भी शामिल है जो बुरी तरह के नाल जख्मी होया। तुम दस दिए कि यह कोई पहला मामला नहीं है। इस तो पहला पिछले हफ्ते काबुल एक फदाइन हमले के तालिबान समर्थक मौलाना शेख रहीमुल्ला हकान की मौत हो गई थी जिसकी जिम्मेवारी इस्लामिक स्टेट ने ली सी। जो हूँ ताज़ा धमाका हो उस एक मौलाना की मौत, एक मौलवी की मौत हुई है। मौलवी का नाम आमिर मुहम्मद काबली दसया जा रहा है जो इस धमाके के मारे गए। इस धमाके की तस्वीर भी सामने आई ने। धमाके के बाद मस्जिद किस तरीके के हालात से वो तस्वीर यह बयान करती है। हर पास खून खराबा होया पे तो लोगों दाशा मस्जिद पईया हुई सी। बाबा यामीन बंगाली गोल्ड मेडलिस्ट, तुहाडे शहर च पहली बार अद्भुत शक्ति चमत्कार वेखो। देश विदेश च बैठे सानू व्हाट्सएप ते भी कॉल कर सकते ने। घर बैठे 11 मिनटां च 101% गारंटी नाल समाधान। वशीकरण ते मुठकरनी दे माहिर, सब तो पहला काम करन दा वादा। नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, बरकत औलाद कहने तो बाहर होना, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, गुप्त रोग, पुराना दर्द, पति पत्नी चनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाना जा तुड़वाना, सौतन दुश्मन तो छुटकारा सदा लई, रुस्से नू मनाउणा प्यार मोहब्बत। बाबा यामीन बंगाली, 96435032321।